लिधोरा नगर में इस बार शिवरात्रि के महापर्व को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह कार्यक्रम में भव्य तरीके से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। लिधोरा शिवरात्रि के महापर्व के अवसर पर इस बार भव्य रूप से भगवान भोलेनाथ की बारात और हल्दी तेल मंडप की रस्मों को मनाने के लिए आज बड़े महादेव भूतेश्वर मंदिर में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें 27 फरवरी को हल्दी, 28 को मंडप, विशाल भंडारा, 1 मार्च को भगवान शिव जी की बारात, परिग्रहण संस्कार और रात्रि में शिवार्चन कार्यक्रम संपन्न होना है। बारात को भव्य तरीके से निकालने के लिए लोगों से उनके विचार लिए गए। बताया गया है कि वैसे तो हर वर्ष भगवान भोलेनाथ की बारात और वैवाहिक रस्में होती थी, लेकिन इस बार अच्छे भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में नगर के लोगों को आमंत्रित किया गया और उनसे विचार विमर्श किए गए। लिधोरा से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। नगर में जो है जो 27 तारीख का हमारा कार्यक्रम है वो मातृशक्ति के लिए विशेष रूप से रखा गया है। उसमें नगर की माता बहनों को हल्दी और तेल के कार्यक्रम के लिए मातेश्वरी का हल्दी और तेल का कार्यक्रम मातेश्वरियों के द्वारा मातृशक्ति के द्वारा किया जाएगा। उसमें गांव की सभी माताएं बहनों को सम्मिलित होने का अनुरोध किया गया है। इस कार्यक्रम को भी बहुत अद्वितीय बनाने की योजना है। बाकी शिव जी भगवान की कृपा है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। क्या है यहाँ भूतेश्वर बड़े मंदिर, जो शंकर जी का भूतेश्वर बड़े शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पर 3 दिवस का शिव जी के विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम हर वर्ष किया जा रहा है। इस वर्ष 27 फरवरी को हल्दी एवं तेल का कार्यक्रम, 28 तारीख को मायना मंडप और नगर के भंडारे का कार्यक्रम किया जाना सुनिश्चित किया गया है, और 1 मार्च को बारात का नगर भ्रमण पैठाई निकलेगी 1 मार्च को, और उसके उपरांत शिवार्चन, और शिवार्चन के उपरांत जो है मातेश्वरी और शिव जी के विवाह का कार्यक्रम रात में किया जाएगा। सभी नगर के लोगों के सहयोग से उक्त कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी की तरफ से भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम लोग इस कार्यक्रम को अद्वितीय बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी उनकी कृपा, जैसे उनकी ठाकुर जी की कृपा होगी वही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।